हम बात कर रहे हैं RVNL की। लास्ट ट्रेडिंग डे की बात करें तो RVNL ने हमको 2% के ऊपर के अपसाइड के साथ क्लोजिंग दिखाई है। इससे पहले मार्केट में हमको जब सेल ऑफ देखने के लिए मिला था, बड़ी गिरावट देखने के लिए मिली थी, उसका इम्पैक्ट RVNL पे भी हमको नज़र आया था। बड़ी गिरावट दिखाई स्टॉक ने, 261.20 के लेवल से स्टॉक ने रिजेक्शन फेस किया। गिरावट आई, 245 के लेवल पर सपोर्ट लेके स्टॉक बाउंस बैक हुआ। जब बाउंस बैक हुआ तो हम देख सकते हैं अगेन स्टॉक ने रिजेक्शन फेस किया और गिरावट आई, तो इस गिरावट के साथ अपने लो को जहाँ से बाउंस बैक किया था उसको नीचे की ओर ब्रेक डाउन नहीं किया, अगेन जंप आया, स्टॉक बाउंस बैक हुआ, अगेन गिरावट आई तो इस लो को ब्रेक डाउन नहीं किया और जंप के साथ अपना हाई ब्रेकआउट होता हुआ नज़र आया। अपने रिसेंट हाई को स्टॉक ब्रेकआउट करता नज़र आया। लेकिन दोस्तों ज़रा चार्ट पैटर्न पर नज़र डाले, गौर से देखें तो स्टॉक ने रिजेक्शन फेस किया है। कौन सी लेवल से रिजेक्शन फेस किया हुआ आपको नज़र आता है, ज़रा समझने की कोशिश करो दोस्तों कि कौन सी लेवल से स्टॉक ने रिजेक्शन फेस किया है। तो इस कैंडल स्टिक को देखो, जहाँ से स्टॉक ने रिजेक्शन लेके हमको 244-245 तक का फॉल दिखाया था, उसी लेवल से स्टॉक ने रिजेक्शन फेस किया। 261.20-261.40 का जो लेवल है जहाँ से रिजेक्शन फेस किया, हम देख सकते हैं दो तीन कैंडल है जहाँ उसी लेवल से स्टॉक ने इस दफ़ा भी रिजेक्शन फेस किया है। लेकिन इस रिजेक्शन के साथ अब उतना बड़ा सेलिंग यहाँ देखने के लिए नहीं मिल रहा है, स्टॉक बाउंस बैक हो सकता है चार्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग। जिस तरह से अब चार्ट पैटर्न हमको दिखा रहा है, 30 मिनट के चार्ट पैटर्न पर हम इस वक्त एनालाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर गिरावट आती भी है तो जहाँ स्टॉक ने रिजेक्शन फेस किया था 255 का लेवल इमीडिएट सपोर्ट का काम करेगा। इसको ब्रेक डाउन कर गया तो नेक्स्ट सपोर्ट 252 और 248 का जो लेवल है तगड़े और इम्पोर्टेंट सपोर्ट का रोल प्ले करेगा। और आखिरी सपोर्ट की बात करें तो जहां से गिरावट के साथ स्टॉक ने बाउंस बैक दिखाया, 244 का लेवल और चार्ट पैटर्न यहां से 30 मिनट के इस पर हायर है देखने के लिए मेरा, जंप के बाद गिरावट, अगेन जंप के बाद गिरावट, अगेन जंप और हाई ब्रेकआउट होता हुआ नज़र आ रहा है। तो अब हमको नज़र रखना है इसी लेवल पर, इसके तगड़े रेजिस्टेंस का काम करने वाला है 261.20-261.40 का लेवल। इसको ब्रेकआउट अगर कर जाता है, यहाँ तक का जंप आने वाले दिन में स्टॉक हमको दिखा सकता है। इसको अगर ब्रेकआउट कर गया स्टॉक तो हम देख सकते हैं नेक्स्ट जो टारगेट बनेगा 264-265 का लेवल, और इस बाउंस बैक के साथ फिर स्टॉक अगेन हमको 270 तक के टारगेट दिखा सकता है। अगर आप डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से कर सकते हो। वीडियो एजुकेशन पर्पस के लिए, कोई बाय सेल या होल्ड की सलाह नहीं है।